फ्रेंड्स, इसके लिए आप सबसे पहले अपना जो सेटिंग ऑप्शन है अपने मोबाइल का, उसको आप ओपन कर ले। सेटिंग ऑप्शन ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अबाउट फोन का ऑप्शन जो है ढूंढ लेना है। अब देखिए, किसी किसी फोन में अबाउट फोन का ऑप्शन जो एकदम ऊपर रहता है, जैसे कि मेरे मोबाइल में है, और किसी किसी मोबाइल में एकदम नीचे भी रह सकता है। आप उसे ढूंढ लीजिए। अबाउट फोन का ऑप्शन ढूंढ लेने के बाद आप उसे ओपन कर लीजिए। एक बार ओपन करने के बाद देखिए, अगर आप रेडमी मोबाइल से यानी Xiaomi फोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे MIUI वर्सन मिलेगा, या फिर आप किसी और कंपनी के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर आप क्या कीजिए, यहाँ पे 7 से 8 बार टैप कीजिए। 7 से 8 बार टैप करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे Xiaomi फोन स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन जो है एडिशनल सेटिंग के अंदर मिल जाता है, बट अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जगह पे डेवलपर ऑप्शन खुलता है। आप ढूंढ लीजिए डेवलपर ऑप्शन को। मैं आपको गारंटी करके कहता हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान चीज़ होगा। आप डेवलपर ऑप्शन ढूंढ लेने के बाद उसको आप ओपन कर ले। डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाने के बाद आप क्या कीजिए, एकदम सीधे नीचे चले जाए। सीधे नीचे जाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 सेटिंग जो है देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट जो सेटिंग है वो है विंडो एनिमेशन स्केल, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए 1x किया हुआ है, उसको आप सिंपली 0.5x, मतलब 0.5x जो सेकेंड वाला आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो हो जाएगा आपका काम। सेकेंड वाला जो सेटिंग है वो है ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल, उस पर भी आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी आप 0.5x मतलब 0.5x कर दीजिए। उसके बाद जो तीसरा वाला सेटिंग आता है वो है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी 0.5x कर दीजिए। तो आपका फोन आप चेक करके देखिए बहुत ज़्यादा फास्ट जो है हो चुका है। फ्रेंड्स, अभी रुकिए रुकिए, अभी रुक जाइए, और एक बोनस सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि अगर आप अपने मोबाइल में करते हैं तो आपका फ़ोन और भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्ले स्टोर में चले जाए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे चले जाए। सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके मोबाइल के अंदर ओवर एनी नेटवर्क जो है किया हुआ है, उसको आप चेंज करके डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, आपके फ़ोन में कोई भी ऐप आपसे ऑटोमेटिकली अपडेट जो है नहीं लेगा। यहाँ पे आपके मोबाइल में तो ऐसा तो बहुत सारे एप्लीकेशन तो होता ही है ना, जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पे क्या होता है, आपके फ़ोन के अंदर वो सभी एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और इस सेटिंग को अगर आप कर लेते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, आपको मैनुअली जाके अपडेट करना होगा, ताकि आपका रैम जो है कम से कम यूज़ होगा। मतलब ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते वो भी अपडेट नहीं होगा, तो आपका रैम तो कम से कम यूज़ होगा ना, इससे आपका फ़ोन थोड़ा बहुत और फास्ट हो जाएगा। तो इस सेटिंग को आप जरूर से कर लीजिए, अगर आपका फ़ोन आप फास्ट करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से गेम वगैरह खेलना चाहते हैं, तो आप इस सेटिंग को जरूर से अपने मोबाइल में ट्राई करके देख लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं किया तो अभी जाके शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये 100% वर्किंग तरीका है किसी भी फ़ोन को हैंग होने से रोकने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने टेक्नो माइंड उज्जवल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।